स्वर्गीय ओमलता शाह, पत्नी परमानंद शाह की पुण्यतिथि के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर हजारों जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया, जिसके संबंध में शंभू शाह ने बताया कि कंबल वितरण का कार्यक्रम पिछले 15 सालों से माता ओमलता शाह की पुण्यतिथि पर होता आ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में होता है। आज कुछ व्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन जो भी कार्यक्रम हो रहा है वह उन्हीं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था से ही संपन्न हुआ है, जिसमें 4000 से अधिक जरूरतमंदों में कंबल व भोजन पैकेट का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। यही हम लोगों ने अपने माता और पिता से सीखा है, जिसको देखते हुए कंबल वितरण किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, भजन गायक नंदू मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शंभू शाह और हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, पवन कुमार शाह जी, कवल शाह जी, संजय शाह जी, शंभू शाह जी, कृष्ण कुमार शाह जी, दामोदर शाह जी, आप सभी हमारे अतिथियों को लेकर प्रारंभ करें। स्वर्गीय ओमलता देवी शाह जी कंपनी रोड के बगल में नेचुआ चराल को के रहने वाली थी। शाह परिवार उत्तरोत्तर विकास के लिए शाह जी जल्द ही रहने करते थे और जीवन के अंतिम क्षण तक इस नियम का यदि भगवान सूर्य का दर्शन नहीं किया तो बिना जल ग्रहण किए साधु संत ब्राह्मण जरूरतमंद आता था तो यथा समय किए गए धर्म पुरी से वट वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा है। तिथि 3 जनवरी पर हजारों जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र व भोजन नारद ने संगीत सिखाया विभूतियां बैठी हैं और उनके समक्ष आज हनुमान जी का दिन है। हम हनुमान जी के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जय हनुमान, जय जय हनुमान, इतना तो सब लोग बोल सकते हैं। मेरे हनुमान जी का नाम 4 अक्षर का है, हा नू मा न, हा नू मा के बड़े महंत जी रविंद्र शास्त्री हैं, पूर्व महापौर हमारी बहन सत्या पांडे जी हैं, हमारे पुष्पदत्त जैन जी, श्री नंदू मिश्रा जी, श्री पी के मल्ल जी, कालीवाड़ी के महंत श्री विधायक विवेक सिंह जी, जैन जी, डॉक्टर सत्या पांडे जी, पहले 7-8 वर्ष राम जायसवाल जी, विपिन सिंह जी, जी श्री नंदू मिश्रा जी, पी के मल्ल जी, हरिद्वार शुक्ला जी, विनय जी वर्मा जी, काशी उन्हें रविंद्रदास जी महाराज,
सीताराम जी, अंजू चौधरी जी, साई जी, हैदराबाद सोनी जी, शंभू साह जी, संजय साह जी, कृष्ण बाबू की सीढ़ियों से उतरते हैं। इससे कई राज्यों से हमारे श्री सीताराम जी महाराज उनके समस्त परिवार की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंबल वितरण का कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से हो रहा है। हमारी माताजी श्रीमती ओमलता देवी शाह के 15वीं पुण्यतिथि पर हर साल होता आया है। 15 सालों से निरंतर महाराज जी के निर्देशन में, महाराज जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम होता है। आज कुछ विशेष कारणों से हमारे परम पूज्य महाराज जी उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी कार्यक्रम हो रहा है उन्हीं के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था में ही हो रहा है। 4 से 5 हज़ार लोगों को कंबल और भोजन का वितरण होता है हर साल 15 साल से। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भगवान आपको जितना सामर्थ्य दे उस हिसाब से अधिक परोपकार और लोगों की भलाई का कार्य हो, यही हम लोगों ने अपने माँ बाप से सीखा है, वही हम लोग कर रहे हैं। यह 3 जनवरी को प्रतिवर्ष शाह परिवार द्वारा यहाँ के जो कपड़े के व्यवसायी हैं, काफ़ी यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी माता जी स्वर्गीय माता जी और उनके स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज के दिन पे वो कंबल वितरण और आम जनता को उनके कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। उनकी माता जी का यह इच्छा थी कि एक गरीब व्यक्ति का ध्यान आप रखें। कुछ महाराज जी हर वर्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे, माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ उनकी व्यस्तता कारण से आज वो नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन यह कार्यक्रम आज भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजित हुआ है।